गुड मॉर्निंग गिटार लवर्स, वेलकम टू शैलन गिटार लेसंस। पिक या प्लक्ट्रम, इसको अपन को गिटार पे कैसे यूज करना है, कैसे इसको बजाने के लिए यूज करना है वो सीखने वाले हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा तो आप समझिए कैसे इसको यूज करना है। उससे पहले जिसे मैं सिखाऊं उससे जस्ट पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड रिंग द बेल आइकन कि आपको अपडेट टाइम पे मिल पाए। देखिए ये पिक है, इसके तीन कोने हैं, देख रहे हैं आपको तीन कोने। उसका जो ये सेंटर पार्ट है ये लगता है गिटार पे, गिटार के स्ट्रिंग्स पे। और इसको आपको पकड़ना है कैसे, आप अपने हाथ को देखिए ऐसे रखिए, उंगली को ऐसे रखा और उसके बाद आप इसको जस्ट यहाँ पर उठा के इस तरीके से रख देंगे, ऐसे रख देंगे। देखिए रख दिया, दिख रहा है मेरे ख्याल से ध्यान से, इसको बंद नहीं करना है, इसको ऐसे गोल बना के रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका थंब है, इसको आप इस पर यूँ रख देंगे, ठीक है। और इसको इस तरीके से रखना है आपको कि एक तो बहुत सॉफ्ट रखना है कि टच करो तो गिर जाए, ऐसे इतना सॉफ्ट पकड़ना है। दूसरा आपको इसका 85% आपको इसको अंदर रखना है, जस्ट 15% बाहर रखना है, ठीक है। इतना ही बाहर आना चाहिए, वेरी इजी आई बिलीव। देखिए वापस आपको बताता हूँ कि पहले आपको आपका उंगली को ऐसे गोल करनी है, ठीक है। उसके बाद इसको लेके आपको यहाँ पे ऐसे रखने का है, ठीक है। ऐसा रखना है कि 85% अंदर रहे उंगली के और 15% रहे बाहर। और ये थंब से आप इसको ऐसे पकड़ लेंगे, लेकिन दबाएंगे नहीं ज़्यादा वरना आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। तो रखने के बाद फिर इसको आपने इस पर बजा सकते हैं। देखिए अगेन मैंने बोला कि दबाना नहीं, मैं दबाऊंगा तो कैसे बजाएगी, अब देखिए बार इज नॉट सॉफ्ट। म्यूजिक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके कान को लगना नहीं चाहिए। तो ऐसे ना पकड़ के आप इसको पकड़ेंगे वापस ऐसे ही, 15% सिर्फ बाहर रहेगा इतना सा, ठीक है। और इसको बिल्कुल सॉफ्ट पकड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस दिस इज द वे यू हैव टू होल्ड अ पिक। कोई भी आपको डाउट हो प्लीज पुट मी इन कमेंट्स, ओके। बताओ मुझे आप कमेंट्स के अंदर। और ऐसा मैंने पहले बोला, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। शैलन गिटार लेसंस।